मुख्यमंत्री ने झारखंड के दुमका में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा नागरिकता कानून पर कांग्रेस लोगों को कर रही है गुमराह। मुख्यमंत्री ने होडल में राजकीय महाविद्यालय के नव निर्मित भवन का किया उद्घाटन, बोले बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की होगी विशेष गिरदावरी। सही वाहनों के लिए आज से फास्टैग जरूरी, इस प्रणाली से होगी ईंधन और समय की बचत। और खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर, बोले खेल नर्सरियों में दी जाएगी सभी सुविधाएं। नमस्कार, मैं अंशु बजाज, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के दुमका में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की संसद ने नागरिकता कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक में बदलाव किया है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी देश को जलाने का काम कर रहे हैं। वे नागरिकता कानून पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता जानती है कि कौन उनके हित में काम कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। कांग्रेस के लोग, उनके साथी, हमारे विरोध करने वाले लोग, अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुख्य समर्थन दे रहे हो, आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो, देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वास पक्का हो जा रहा है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। कृतज्ञ राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। भारत रत्न से सम्मानित सरदार पटेल ने 15 दिसंबर 1950 को अंतिम सांस ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सरदार पटेल द्वारा देश के लिए की गई असाधारण सेवा हमेशा प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा आधुनिक और संयुक्त भारत के महान वास्तुकार को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पलवल के होडल में 18 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। भवन का निर्माण हरियाणा पुलिस आवास निगम द्वारा किया गया। इस भवन के निर्माण पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यमुना नदी के ऊपर हरियाणा प्रदेश के सीमा के अंदर 4 नए पुलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा विवाद को निपटाने के लिए यमुना नदी की कॉमन लैंड की निशानदेही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हुई और विशेष गिरदावरी करवाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 22 करोड़ रुपए का बना था, लेकिन बड़ी प्रसन्नता है कि उस एस्टीमेट के बावजूद जो बिल्डिंग का कुल खर्च आया है वो 16 करोड़ रुपए आ गया है। लगभग 2 करोड़ रुपए में और 4 योजना बाकी जो काम बचे हैं पूरा हो जाएगा। 22 करोड़ की बजाय 18 करोड़ रुपए पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, 4 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और मैं समझता हूँ ये एक एफिशिएंसी है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की, जिन्होंने इसको कम कीमत में तैयार किया। हसनपुर का ये पुल अलवर जिले के लोगों को खुर्जा और उस सारे क्षेत्र के साथ जुड़ेगा, अलीगढ़ से जुड़ेगा, तो बहुत बड़ी सुविधा इस इलाके को होगी। ऐसे ही 2 पुल, एक पानीपत जिले में बन रहा है, एक यमुनानगर जिले में बन रहा है, तो इन चारों पुलों की कुछ तो शुरू भी हो चुके हैं। उधर यमुनानगर का और वो शुरू हो गया, मंजावली वाला बन गया, ये भी पेंडिंग था, इसके भी काम की शुरुआत हो जाएगी।
केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज हिसार में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत जिम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंडिया फिट रहेगा तभी देश का सही विकास होगा। वर्तमान में फिट इंडिया कार्यक्रम युवा महिलाओं और बच्चों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। हम फिट तो इंडिया फिट, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम दिया कि फिट इंडिया कार्यक्रम यूथ में भी, प्रौढ़ में भी, महिलाओं में भी, बच्चों में भी। और मुझे यहाँ देख करके अच्छा लगा कि इसका प्रचार प्रसार हो, लोग आए यहाँ, तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, हमारा मन भी आनंदित रहे और हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहे। नागरिकता संशोधन बिल पास होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक बिल में संशोधन कर इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू समाज के काफी लोग हैं जिनका वहां शोषण हो रहा है, ऐसे में नागरिकता बिल में संशोधन किया गया है, इससे अल्पसंख्यकों को सीधा फायदा होगा। को लेकर के जो कांग्रेस और विपक्षी दल कुछ जो ये विषय उठा रहे हैं, मुझे लगता है ये 50 साल पहले होना चाहिए। मुझे बताइए, ये तीन देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये थियोक्रेटिक कंट्री है, इनका धर्म इस्लाम है, वहाँ से दूसरे धर्मों के लोग प्रताड़ित होते आ रहे हैं, प्रताड़ना दी जा रही है, पार्टीशन से लेकर के दी जा रही है, तो वो भारत नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे सर? और वो रह भी रहे हैं कई, और नारकीय जीवन जी रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए फास्टैग प्रीपेड रिचार्जेबल टैग की व्यवस्था कर दी है। इससे टोल टैक्स का भुगतान स्वचालित तरीके से हो पाएगा। सभी वाहनों के लिए आज से ये प्रणाली अनिवार्य हो गई है। इससे समय और ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी और निर्बाध यातायात सुनिश्चित होगा। फास्टैग से वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर शुल्क देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। टोल प्लाजा में दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर सभी लेन को फास्टैग लेन बनाया गया है। हालांकि लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ के अनुसार फास्टैग लेन के 25% हिस्से को हाइब्रिड लेन में बदला जा सकता है। यह अस्थायी उपाय है और इसे 30 दिन के लिए मंजूरी दी गई है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के पिता मित्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में आज जींद जिले के गांव किनारा में एक समारोह का आयोजन किया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि खेल नर्सरियों में सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं ताकि ग्रामीण स्तर के बच्चे अपने खेल को निखार सकें। वाले टाइम में हम बहुत अच्छी सुविधाएं जो स्पोर्ट्स के लिए लेके आएंगे, जिससे कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जो बच्चे हैं वो अपने प्रदेश के लिए भी खेलें और प्रदेश का नाम और रोशन करें। क्योंकि ग्रास रूट के ऊपर पहले के टाइम में अगर हम आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो ग्रास रूट के ऊपर इतना वर्क नहीं हुआ। जो बच्चा अपने दम पर या अपने पेरेंट्स के दम से निकल रहा था उसी को बढ़ावा दे रहे थे, जो पद लेके आ रहा था उसी को बढ़ावा दे रहे थे। अब हम वो नर्सरीज वो काम करने जा रहे हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स खेलने के लिए बच्चों का मन है, उनको आगे बढ़ना है लेकिन सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं, उसको मैं डेड जोन बोलता हूँ। तो उस डेड जोन पे हमने पहुँचना है और उन बच्चों को सुविधाएं। भिवानी के ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह का गांव कालूवास बॉक्सिंग में अपनी अलग पहचान रखता है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में विजेंद्र सिंह ने जब ओलंपिक मेडल जीता तो एकाएक इस गांव में युवाओं का रुझान मुक्केबाजी की तरफ बढ़ा। अब यहां के युवा मुक्केबाजी के दम पर खेल कोटे में सेना, पुलिस और विभिन्न विभागों में रोजगार पा रहे हैं। गाँव कालूवास के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर सचिन, अमन और साहिल ने बताया कि उनके गाँव के लगभग हर घर में मुक्केबाज हैं। उन्होंने कहा कि विजेंद्र सिंह की के बाद यहां के युवा मुक्केबाजी में अपना कैरियर बनाने में जुट गए। 7-8 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए और मैं यूथ एशिया में ब्रॉन्ज मेडल है। और हमारे गांव को बॉक्सर का गांव इसलिए कहा जाता है, हमारे गांव में कम से कम हर घर में एक बॉक्सर तो है ही है। और यहां पे एक घर में एक बॉक्सर जरूरी नहीं है, दो दो तीन तीन बॉक्सर भी हैं। अगर किसी घर में तीन लड़के हैं तो तीनों ही बॉक्सिंग करते हैं। हमारे गाँव में पहले भी बॉक्सर थे, फिर विजेंद्र ने हमारे ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिया। गांव में बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग करते हैं,
और हमारे गांव में बहुत मेडलिस्ट हैं। ओलंपिक में विजेंद्र बॉक्सर ने भी मेडल लिया है। मेरा मन करा बॉक्सिंग करने में, इच्छा हुई मेरी। कड़वास गांव बॉक्सरों का गांव माना गया है। इसमें विजेंद्र ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और उससे पहले से भी घर घर से बॉक्सर बच्चे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए ये गांव बॉक्सर के लिए माना। विजेंद्र अब ओलंपिक वो खेल किया रहा है और जब पता अपने बच्चे हैं खूब अपने राजा बॉक्सर खूब खिलाड़ी हो रहे हैं, बढ़ती भी हो रहे हैं और खूब जी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कड़वास गांव में बॉक्सरों का कहा जाता है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा आज सिरसा में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहरवासियों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज का राहगिरी कार्यक्रम ऊर्जा संरक्षण की थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें आमजन को ऊर्जा संरक्षण के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। राहगिरी कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और आम जनता के संबंधों को और अधिक मजबूत करना है। राहगिरी कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ विभिन्न खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन का थीम है, जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो जल से है, चाहे बिजली से है, पानी से, कोई भी वो एनर्जी बचाने का थीम है। उसके लिए ड्राइंग कंपटीशन भी रखा हुआ है और मेन मकसद है लोगों को अवेयर करना कि एनर्जी बचाना ही एनर्जी उत्पन्न करना है। देखिए, राहगिरी का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तालमेल हो और लोगों के बीच जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। आमजनों ने राहगिरी कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। राहगिरी कार्यक्रम एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक में रिलेशन बढ़ता है, अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं। इसके अलावा राहगिरी प्रोग्राम जो है वो अच्छे संदेश देता है, जैसे नशा मुक्ति के प्रोग्राम के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर, या जितने भी थीम्स लेके आते हैं, या बच्चों में जो गेम्स, ड्राइंग कंपटीशन या इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, छोटे बच्चों को हौसला मिलता है इन सब कार्यक्रमों से। राहगिरी से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे पीपल में बहुत फ़र्क पड़ता है, उनसे हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और हमें डेली बेसिस पे ये करना चाहिए और इससे बहुत अच्छा रहे। धान के खेतों में पाई जाने वाली सुंडी फसली कीट से फतेहाबाद जिले में गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है। नव अंकुरित गेहूं की फसल इससे खराब होने लगी है। किसानों का कहना है कि जिन खेतों में धान की पराली जलाई नहीं गई और उसे सुपर सीडर से खेतों में दबाया गया था, वहीं सुंडी का प्रकोप अधिक दिख रहा है। दिक्कत बहुत आ रही है जी, दोरी माल मार झेल रहा है किसान। पहले तो पराली के अंदर बिजाई करवा दी, बिजाई भी नहीं हुई अच्छी तरह से, बहुत बुरा हाल हो गया था। इसके अंदर सफ़ेद कीड़ा आ गया है जो इसको काट रहा है, ख़त्म कर रहा है इसको, बहुत बुरा हाल हो रहा है किसानों का। देखते हैं यार, ये जो हमने एपी सुपर एपी सीडर से जो बिजाई की है ना, उसमें एक तो नीचे सफ़ेद कीड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से जो कणक की जड़ों को खा रहा है और कणक उसके जड़ों को खाने की वजह से कणक पीली दिख रही है। और डॉक्टर से राय ले रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें कैलडान डाली जाए। तो नुकसान तो सारा ही है जी इसमें, अगर कीड़ा नहीं मरेगा तो सारा नुकसान है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की सुंडी आमतौर पर धान की फसल में दिखाई देती है, लेकिन इस बार गेहूं की फसल पर हमला हुआ है जो असामान्य है। ये जो गेहूं की फसल में फिलहाल काफी जगह पर सुंडी आई हुई है, दरअसल ये सुंडी वही है जो हमारी धान की फसल में आती है। ये गो वाली सुंडी जिसको हम स्टैम्पर बोलते हैं, ये कई बार जो सुंडी हम धान की फसल में जब दवाई करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो मरता नहीं है, यानी कि 95% तक वो कंट्रोल हो पाती है। तो 5% जो सुंडी की जो जनरेशन है वो नेक्स्ट वाली क्रॉप में आ जाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने झारखंड के दुमका में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा नागरिकता कानून पर कांग्रेस लोगों को कर रही है गुमराह। मुख्यमंत्री ने होडल में राजकीय महाविद्यालय के नव निर्मित भवन का किया उद्घाटन, बोले बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की होगी विशेष गिरदावरी।
सही वाहनों के लिए आज से फास्टैग जरूरी, इस प्रणाली से होगी ईंधन और समय की बचत। और खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर, बोले खेल नर्सरियों में दी जाएगी सभी सुविधाएं। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।